हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हैं पुणे सतारा रोड पे जेरोक्स की एक फेमस दुकान में जिसका नाम है जिया एंटरप्राइजेस। और दोस्तों इस शॉप के ओनर है मिस्टर अजय पटेल सर। तो दोस्तों आज हम सर से जेरोक्स के बिजनेस के बारे में, जेरोक्स और जंबो जेरोक्स के बिजनेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि कैसे बिजनेस किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितना पैसा भी इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो में। yes. सर हमारे जो देश के जो नौजवान लड़के हैं ये आपकी तरह सर थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं, ये जेरोक्स और जंबो जेरोक्स का बिजनेस कैसे किया जाए। तो सर थोड़ी जानकारी हम आपसे लेंगे इस बिज़नेस के बारे में। यस सर, चलेगा ना सर? जंबो जेरोक्स स्टार्टिंग में तो बेसिक से करना चाहिए। अच्छा, लो से लो इन्वेस्टमेंट करके, अच्छा, फिर कंटिन्यू कस्टमर होने के बाद, कॉन्फिडेंट आने के बाद कंपनी से नया मशीन बाय करना चाहिए। हाँ। और आगे जाके आप काम बढ़ा सकते हो। बराबर। और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद बच्चे हायर करना, उसके ऊपर भी, स्टाफ के ऊपर भी डिपेंड रहता है। बराबर। मैं तो स्टाफ अच्छा होना चाहिए, मेहनत सबसे बड़ी बात है। मैं 7 o'clock शॉप खोलता हूँ। अच्छा, सुबह 7 बजे? यस, 7 बजे खोलता हूँ, 11 बजे बंद करता हूँ। बराबर। तो टाइम उतना देना पड़ता है, कॉलेज के बाजू में है तो बच्चे जल्दी आते हैं, उनको 8 बजे कॉलेज रहता है तो 7 o'clock मेरे इधर से प्रिंट निकालते या जेरोक्स निकालते और कॉलेज चले जाते हैं। बराबर। सर लगभग आप कितने सालों से इस बिजनेस में? मैं 22 years से हूँ। 22 साल से? यस सर, 98 से। अच्छा। हाँ, जेरोक्स, जंबो जेरोक्स, स्टेशनरी, डिजिटल प्रिंटिंग, फिर कैनवास प्रिंटिंग, विनाइल प्रिंटिंग, वो सब अपने पास होता है। सुबह कोई 5 बजे मुझे कॉल करता है, अगर उसका जंबो जेरोक्स वगैरह इमरजेंसी में स्टूडेंट वगैरह के सबमिशन वगैरह रहते हैं, दो सबमिशन के टाइम पे मैं सुबह 5 बजे भी खोलता हूँ और उनको सर्विस देता हूँ। सर अगर कोई ये बिज़नेस करना चाहता है तो जैसे अभी जेरोक्स तो सब जगह पे थोड़ा थोड़ा रहता ही है, तो उसके लिए मतलब कोई जैसे फुल सिर्फ जेरोक्स में करियर करना चाहता है तो कहाँ पे अच्छा लोकेशन होना चाहिए? देखिए, कॉरपोरेट एरिया एक है, दूसरा कॉलेज एरिया है। स्कूल के आजू बाजू में नहीं खोलना। अच्छा। क्योंकि स्कूल के आजू बाजू में कोई काम नहीं आएगा इतना। बराबर। हाँ, बट कॉलेज के बाजू में रहेगा, नोट्स है, बाकी का कुछ है, स्टेशनरीज है, तो बच्चे पढ़ने के लिए करते हैं काम। और सर ये जंबो जेरोक्स तो काफ़ी कम जगह पे रहते हैं, तो ये मेन कहाँ पे मतलब इसका यूज़ होता है? इसका जंबो जेरोक्स के लिए बिल्डिंग प्लान्स। अच्छा। फिर आपका ट्रेसिंग है, ब्लू प्रिंट के लिए उसका ट्रेसिंग जो निकलता है गवर्नमेंट में, वो आपको सबमिशन के लिए, आपको लोन के लिए, अच्छा, सबके लिए जो प्लान्स की जेरोक्स लगती है वो इसमें निकलती है। अच्छा। तो कंपलसरी है। कंपलसरी। हाँ। तो अगर कोई मतलब जिसके पास जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो दोनों करेगा तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जगह रहनी चाहिए सबसे बड़ी बात। जगह रहनी। हाँ। फिर भी सर कितनी जगह लगती है जैसे जेरोक्स और जंबो जेरोक्स? जेरोक्स और जंबो जेरोक्स के लिए अबो 150 square feet। और जैसे अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, अगर कोई जैसे जेरोक्स में ही करियर करना चाहता है, हाँ, तो इसमें सर कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? 5 lakhs तो लग जाएगा सर। 5 lakh? क्योंकि एक जेरोक्स मशीन रखेगा, स्पायरल बाइंडिंग मशीन रखेगा, लेमिनेशन रखेगा। बराबर। एक कलर प्रिंटर वगैरह कुछ लेना पड़ेगा उसको। बराबर। कंप्यूटर लेना पड़ेगा। बराबर। थोड़ा सा फर्नीचर करना पड़ेगा। तो मिनिमम 5 lakhs से तो स्टार्ट होना है। मतलब जंबो जेरोक्स छोड़ के? जंबो जेरोक्स छोड़ के, अगर जंबो जेरोक्स की कैटेगरी है, आप 2 lakhs में किसी से सेकेंड हैंड लेके आओ। बराबर। ये मेरी किप की मशीन है। अच्छा। हाँ, ये 10 lakh की मशीन है। ये 10 lakh की मशीन। वैसे और अलग अलग मशीन आती है। बराबर। 5 lakh से स्टार्ट होता है, आप 5 crore का भी इन्वेस्ट कर सकते हो जेरोक्स स्टेशनरी लाइन में। अच्छा। और इसमें अच्छा मशीन कौन सा रहता है जेरोक्स में? जेरोक्स में अभी तो एडवांस मशीन है। बराबर। बाकी कोनिका मिनोल्टा के मशीन अच्छे आते हैं, 100 के ऊपर पर मिनट में कॉपी निकालते हैं, बट वो लार्ज क्वांटिटी के लिए काम का है। ये बेसिक के लिए बेस्ट है। बेसिक के लिए ये बेस्ट। यस। ये कितने तक आता है? कैनन कंपनी का 2 lakh rupees के आसपास। 2 lakh rupees का। सर अगर कोई जेरोक्स का या फिर ऐसा जेरोक्स और स्टेशनरी ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं तो सर कितना एक्सपीरियंस उसको लेना चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए? कम से कम मेरे हिसाब से 2 साल अच्छी जगह पे या बुरे सेठ के पास उसको जॉब करना चाहिए। बराबर। कि जो 2 मिनट के लिए भी उसको खड़ा ना रहने दे। बराबर। ये कर वो कर वो कर। बराबर। वैसा। बराबर। उसको वैसे बंदे के पास काम करना चाहिए। बराबर। जो उसका नाम मार्केट में बुरा हो। बराबर। उससे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। उससे अच्छा। यस। 2 साल में लेन देन से लेके कॉस्टिंग से लेके हर चीज़ उसको पता चलेगी।
सर अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास खुद की दुकान नहीं है, तो सर किराए के साथ अगर जैसे आपने बताया लोकेशन, तो किराए के साथ अगर शुरू करना चाहता है तो सर कितने किराए तक रेंज होना चाहिए? 15,000 तक चलता है, 20,000 लास्ट। 20,000 के ऊपर खाली जेरोक्स का करना है तो नहीं कमा पाएगा इतना, क्योंकि स्टार्टिंग से एंडिंग तक उसको बहुत फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको जीरो से स्टार्ट करना है बराबर, और उसके लिए सब नया है, सब नया, कस्टमर भी नए है और एरिया भी नया है, एरिया भी नया, तो उसके लिए थोड़ा हेवी जाएगा बराबर। तो 10-15,000 के आसपास रहेगा तो? हाँ, 10-15,000 के आगे रहेगा तो उसका फैमिली का खर्चा निकाल सकता है, वो भाड़ा भर सकता है, लाइट बिल भर सकता है, मेंटेनेंस दे सकता है मशीन का, व्यापारी लोगों को पेमेंट दे सकता है, वो चल जाएगा उसका। जेरोक्स के बिजनेस में जैसे कोई सीजन जैसे ऐसा रहता है, सीजन ऑफ सीजन? सीजन ऑफ सीजन रहता है ना सर, जैसे अभी बारिश का सीजन है राइट, तो स्लो हो जाता है, जैसे कॉलेज का स्टार्ट है तो 2 महीना स्लो रहता है, अगस्त के बाद स्टार्ट होता है वो नवंबर तक चलता है, बाद में फरवरी एंडिंग में जो सीजन लगता है वो अप्रैल एंडिंग तक चलती है, तो उस टाइम पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस टाइम पे ज़्यादा लोग भी हायर करने पड़ते कभी कभी। पूरे महाराष्ट्र के मैं विलेज मैप रखता हूँ, अच्छा, मेरे पास आप पूरे महाराष्ट्र के कोई भी मैप ले सकते हो, मैं सेल करता हूँ वो, अच्छा, उसका प्रिंट भी निकालता हूँ और ऑर्डर के ऊपर उनको सॉफ्ट कॉपी भी मेल करता हूँ, अच्छा, पेमेंट से। अगर कोई जैसे बाहर गांव से भी फोन करके आपको मंगाता है, यस, तो आप वैसा गूगल पे के थ्रू या फिर ऐसा ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू? यस, देता हूँ मैं उनको, उनको सॉफ्ट कॉपी, यस देता हूँ, सॉफ्ट कॉपी भेजता हूँ, जैसे कि पीडीएफ फॉर्मेट में कोई मांगते हैं, कोई ऑटोकैड में मांगते हैं, तो दोनों फॉर्मेट में मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। बराबर। तो दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र में कहीं पर भी रहते हो, अगर आपको कोई भी नक्शा वगैरह चाहिए तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सर का फ़ोन नंबर दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट करके आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। सर इसमें जैसे अभी जेरोक्स के साथ साथ और कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए अगर कोई ये बिज़नेस शुरू करता है? जेरोक्स के साथ स्टेशनरी होनी ज़रूरी है बराबर, डिजिटल प्रिंटआउट ज़रूरी है, कंप्यूटर एक्सेसरीज भी आप रख सकते हो बराबर, जैसे मेरा अगला सेटअप वही रहेगा, अच्छा, मैं कंप्यूटर एक्सेसरीज 1 महीने में चालू करने वाला हूँ। फिर भी सर अगर कोई जेरोक्स जैसे आपने बताया 10-12,000 रुपये रेंट है और जेरोक्स का बिज़नेस मतलब और ये स्टेशनरी, फिर भी सर दिल का सेल या फिर दिन का कितना बिजनेस? नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली नहीं बता सकते खर्चे निकालने के लिए, नहीं कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग खुद संडे को कभी कभी 2,000 का भी काम नहीं होता है, 1,000 का भी काम नहीं होता है, 500 का भी काम होता है कभी कभी, और कभी कभी वैसे ही चले जाते हैं खाली पूजा वगैरह करके चले जाते हैं, तो उसका कुछ ये नहीं रहता है, कभी काम के ऊपर डिपेंड रहता है, कभी कोई अच्छे से वर्किंग कस्टमर आ गया तो एक ही कस्टमर 10,000 रुपया भी काम दे सकता है बराबर, और आप 100 कस्टमर करोगे तो भी 5,000 का भी काम नहीं होगा बराबर, वो डिपेंड करता है सर, उसमें कुछ बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, नहीं नहीं। फिर भी इसमें सर मार्जिन कितना परसेंट रहता है? 25% तक मार्जिन हो जाता है बराबर, अराउंडली सब खर्चा वगैरह सब निकाल के 25%। यस सर, 25%। अभी इसमें जेरोक्स अभी यहाँ पे क्या रेट है जेरोक्स का पुणे में? यहाँ पे 50 पैसा वन साइड मीन्स बोथ साइड रहेगा तो 1 रुपया प्रिंट आउट, अच्छा, और जेरोक्स है, जेरोक्स बराबर, तो इसमें अगर 1 रुपये से भी बेचता है तो 25% उसको मिल जाता है सामने वाले को, मिल जाता है। यस सर, अभी देखता हूँ मैं यहाँ पे आपके दुकान के आसपास भी जेरोक्स की 2-3 दुकान है, हाँ, पर सर आपका दुकान अच्छा चलता है, यस, क्या कारण है सर आपके दुकान में इतनी भीड़ होती है? उसके लिए मैं कस्टमर से छीना झपटी नहीं करता हूँ, सबसे पहली बात बराबर, बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड रहता है बहुत बराबर, व्यवहार अच्छे से करता हूँ, कस्टमर का पैसा एक्स्ट्रा लगा के फिर कम नहीं करता हूँ, प्योर जो है वो है, अगर मेरे हक का है मैं झगड़ के कस्टमर से लेता हूँ, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ कि मुझे शर्म से नीचे झुकना पड़े कि कस्टमर का 1,000 रुपया हुआ मैं 1,050 बोल के 1,000 रुपया कर दूँ, वो मेरा सिस्टम नहीं है, माउथ पब्लिसिटी भी अच्छा है अपना, इसीलिए कस्टमर, यस सर, मतलब कंपटीशन है तो कंपटीशन सस्ता बेच रहे हो या फिर ना 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 ना, सस्ता बेचने की जरूरत नहीं है, काम अच्छा करने की जरूरत है, काम फास्ट करने की जरूरत है, टाइम पास कम करना पड़ेगा तुमको, सब हो जाएगा। सर अगर कोई ये बिजनेस शुरू करता है और उसमें सर सफल होना है, जैसे प्रॉफिट में आना है सर, नुकसान नहीं होना चाहिए, तो सर और कौन सा कोई तरीका है ताकि वो बिजनेस शुरू करे और बंद नहीं करना पड़े? देखिए जो शेख चिल्ली वाला हिसाब रखते हैं, जैसे कि मैंने आज खोला और मुझे 2 महीने में प्रॉफिट होना ही चाहिए, तो वो शेख चिल्ली वाला हिसाब है, उस टाइप का जो हिसाब करता है वो कभी भी लॉस्ट में जाता है वो बंदा, बट अगर तुम्हें करते रहना है और 11 महीने
कम से कम फर्स्ट एग्रीमेंट, अगर रेंटल है तो फर्स्ट एग्रीमेंट छोड़ना है कि मैंने एक साल बैठ के निकाला, और ऐसे नाकामयाब होते होते ऐसे कामयाबी पे चल जाएगा बंदा कि उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको लॉस्ट भी नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 5 लाख रुपया और मैं कल कमाना चालू किया, कल से ही दुकान से निकालना चालू किया, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। और उससे थोड़ा बेसिकली उसको दुकान के लिए ही अगर समझ लो कि मेरे पास 1 लाख रुपया इन हो गया, सेविंग हो गया, तो 1 लाख रुपया मुझे बिजनेस में ही लगाना है। वैसे 11 महीने तक करते रहेगा बंदा तो कभी उसको लॉस नहीं होगा लाइफ में, कभी नहीं होगा। और सर अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, आपके दुकान में आना चाहता है, तो सर कहाँ पर आपका दुकान है, कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात, मेरा नंबर मैं यहाँ पे चैनल पे दे रहा हूँ, अगर आना चाहता है तो महाराष्ट्र पुणे, उसको कात्रज उतरना है, नियर भारतीय हॉस्पिटल, भारतीय हॉस्पिटल के एकदम 50 मीटर के आस बाजू में ही है मेरा, मेन रोड पे, पुणे सतारा रोड पे। तो आ सकता है बंदा, ऑनलाइन भी उसको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल करके पूछ सकता है। तो दोस्तों जैसा सर बता रहे हैं, अगर आपको जेरोक्स की ज़रूरत है या फिर आपको कोई नक्शे की ज़रूरत है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सर का फ़ोन नंबर और एड्रेस दे दूंगा, आप चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पर वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर। नमस्कार।